जैसा कि इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ कटोरियाँ रखी हैं। कुल मिलाकर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कटोरियाँ हैं। मेरे पास इस बॉक्स में कुछ बीड्स हैं, इसमें मैंने कुल 40 बीड्स अभी रखे हैं। आइए देखते हैं कि यदि 40 को हमने 8 से भाग करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बीड्स को अपने हाथ में ले रहा हूँ और इन बीड्स को एक एक करके मैं प्रत्येक कटोरी में डालूंगा। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इधर और एक ही इधर। उसके बाद कुछ और बीड्स लेकर मैं फिर से सभी कटोरियों में एक एक बीड रखूंगा। एक 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 एक, फिर से सभी में एक 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 और एक। इसी प्रकार से फिर से एक 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 और एक 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 और एक। मेरे पास बीड्स खाली हो गई। इसका मतलब मैंने सभी बीड्स को बराबर इन कटोरियों में बांटा और हमने देखा कि सभी कटोरियों में बराबर बीड्स हैं। आइए देखें कि प्रत्येक कटोरी में कितने बीड्स डाले गए। मैं अपने साथी को कहूंगा कि इनको जूम करके दिखाएं। इस कटोरी में 1, 2, 3, 4, 5 बीड्स हैं। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 बीड्स हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कटोरियों में बराबर 5 बीड्स हैं। इसका मतलब यदि हमने 40 बीड्स को 8 कटोरियों में बराबर बराबर बांटा तो प्रत्येक कटोरी में 5 बीड्स आए। इससे हमारी समस्या का हल मिलता है कि 40 को 8 बराबर भागों में बांटने पर हमें 5 ज्ञात होता है, यानी 40 को 8 से भाग कर 5 प्राप्त हो। इस प्रकार से बच्चे यदि खेल खेल पर बीड्स को बराबर 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 कटोरियों में रखें, 8 के बजाय 6 या 5 कटोरियां या 10 कटोरियां भी रखी जा सकती हैं। यदि इस तरह से बीड्स के माध्यम से उनको कटोरियों में बराबर बांट कर बताया जाए तो बच्चे भाग को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और इसी प्रक्रिया से वह ये भी देख सकते हैं कि बराबर बांटने पर कितनी बीड्स शेष बची जो सब में बराबर आगे नहीं बढ़ सकी। तो भाग बहुत अच्छे से इस एक खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाई जा सकती है।